सम्मान से सम्मानित डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे का लंबी बीमारी के चलते 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जताया है। डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे का मारवाड़ी शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर सीएम बघेल, मंत्री मोहम्मद अकबर और महापौर एजाज डेवर शामिल हुए। इस दौरान सीएम बघेल ने डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे के स्वतंत्रता संग्राम में उल्लेखनीय योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि वे अंतिम समय तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे। राष्ट्रीय पर्वों और महत्वपूर्ण आयोजनों में वे विशेष रूप से उपस्थित रहते थे। पिछले महीने उनके अस्वस्थ होने की सूचना मिलने पर अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात भी की थी। उनका जाने से न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश को क्षति पहुंची है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान चिकित्सक थे। आयुर्वेदिक क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता और उसे उन्हीं कार्यों के बदौलत उन्हें पद्मश्री का सम्मान भारत सरकार की ओर से मिला था। निश्चित रूप से पांडे परिवार को ही नहीं वरन रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ और देश को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। भारत माता ने एक महान सपूत खोया है। मैं इस अवसर पर उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।